नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र ईगरे मीडिया में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों इस दिन पूर्णिमा के दिन तर्पण भी आपके अगर पितृ के लिए पितृ अगर आपके ना खुश हैं या नाराज हैं या फिर उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है तो आप तर्पण भी कर सकते हैं पूनम के दिन। दूसरा दोस्तों, पूनम के दिन आप दान भी कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार, और अगर आप अनाज का दान करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दान ऐसे व्यक्ति को करना है दोस्तों जो सच में उसकी जरूरत हो। उसको आप जो भी धन किसी को देते हैं और वो उसको लेके अगर अंदर से खुश हो जाता है तो आपका दान सफल हो गया। तो किसी गरीब जरूरतमंद को आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा बहुत दान अवश्य करें माघी पूनम के दिन। उससे क्या होगा, वो कई गुना अधिक होके आपके पास लौटेगा। तीसरा दोस्तों, माता लक्ष्मी का वास माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में होता है। तो आपको मैं इसका एक बहुत ही साधारण सा उपाय बताने वाला हूं और उस उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन 100% हो जाएगा। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे ऐसी ही जानकारी आगे भी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों माघी पूर्णिमा 16 फरवरी बुधवार के दिन है। दोस्तों ये बुधवार है इसलिए आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। पूनम तो है ही लेकिन बुधवार की पूनम है तो आपसे हो सके तो भगवान गणेश की छोटी मोटी पूजा कर लें। अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़े से बेसन के लड्डू लें और बांट दें प्रसाद के रूप में, भगवान गणेश खुश हो जाएंगे। भगवान गणेश का हमेशा सबसे पहले पूजा भगवान गणेश की होती है, चाहे वो शादी हो या किसी भी तरह का कोई मांगलिक प्रसंग हो, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। और जिसके ऊपर भगवान गणेश प्रसन्न हो जाए उसके यहां किसी भी काम में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। दोस्तों पूनम की जो मैंने पीपल का बताया है जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है माघी पूनम के दिन, तो ये पूजा आपको शाम के समय करनी है माघी पूनम को, 4 बजे से 6 बजे के बीच में। आपको एक लोटा जल ले लेना है नहा धो के स्वच्छ होके। इस क्रिया को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जिनके यहां पैसे की आवश्यकता है, जो लोग धन कमाना चाहते हैं ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको स्वच्छ जल लेना है एक लोटा और उस लोटा में आपको 11 दाने साबुत चावल के डाल लेने हैं। चावल का दाना दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए,
पूनम के दिन अगर चावल आप पूजा में अर्पित कर देते हैं तो आपके चंद्र भी खुश हो जाएंगे। और बुधवार का दिन है दोस्तों, और माता लक्ष्मी को भी चावल बहुत पसंद है। आपको उस लोटा में 11 चावल के दाने डालने हैं और 2 अगरबत्ती लेनी है और 1 दीपक ले लेना है दोस्तों। दीपक घी का जलाना है पीपल के वृक्ष की जड़ के पास। सबसे पहले जाके आपको दीपक जला देना है, 2 अगरबत्ती लगा देनी है और आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है माता लक्ष्मी से कि आप मेरे साथ मेरे घर पधारे या चले, क्योंकि जिस समय आप वहां ये क्रिया कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, माता लक्ष्मी वहां हाजिर हैं पीपल के वृक्ष में, तो वहां से आपको माता लक्ष्मी को लेके आना है, उनको आमंत्रण देना है हाथ जोड़ के। कब? जब दीपक जला दें और 2 अगरबत्ती लगा दें। उसके बाद दोस्तों जो आप जल लेके गए हैं लोटा में, वो जल पीपल की जड़ में आपको चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद अगर संभव हो तो पीपल की 1 फेरी लगाएं, और अगर संभव ना हो तो हाथ जोड़ के और वहां से माता लक्ष्मी को तो आपने आमंत्रण दे ही दिया है और आपको अपने घर चले आना है। बस ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आप इतना करके देखिए आपके यहां पैसे की आवक बढ़ जाएगी, आपकी समृद्धि अपने आप बढ़ने लग जाएगी। और जब वहां से वापस आए दोस्तों, बुधवार का दिन है तो आप कहीं से भी हरी घास चारा जो भी आपको मिल जाए, क्योंकि हरा कलर बुध का सबसे प्रिय कलर है, तो आप हरा चारा गाय को अवश्य खिला दें। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। किसी सज्जन ने मेरी वीडियो में कमेंट किए कि 33 कोटि को क्लियर करें क्या मतलब होता है, तो 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता गाय के अंदर, गाय के शरीर में हमेशा निवास करते हैं। तो ये चारा खिलाने से सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, और गाय चारा खाएगी तो आपके बुध ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा देंगे। तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपके घर आ जाएंगे, बुध ग्रह आपके ऊपर खुश हो जाएंगे, और पीपल के अंदर भी काफी सारे आत्माओं का और देवी देवताओं का वास होता है। तो इन सभी का आशीर्वाद जब आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आपके यहां धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिलने लग जाएगा, और आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आपके घर में पैसे धन स्थान में ठहरने लग जाएंगे और देखते ही देखते आप एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार।